तेरा रहमान, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे अगले खास मेहमान से। दोस्तों कहते हैं शिक्षक कभी साधारण नहीं होते हैं, शिक्षक बिल्कुल उस सड़क की तरह होते हैं जो खुद कहीं नहीं जाते पर अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। और हम सभी के जीवन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से होती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय की व्याख्याता श्रीमती मेधा पुरोहित वाजपेयी, जो हमें बता रही हैं कि एंजाइटी क्या है और बच्चे इस एंजाइटी को सकारात्मकता में कैसे बदलें। शिखा जी, देखने में ये आ रहा है कि कोविड के बाद लगभग 88% जो युवा है वो एंजाइटी का शिकार है। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि उनको ठीक ठीक से ये भी नहीं पता है कि वो एंजाइटी उनको क्यों आ रही है। और सही समय पर अगर इसको पहचान कर इसका उपाय या उपचार हमने नहीं किया तो इसका असर बच्चों के रिजल्ट, परफॉर्मेंस, व्यवहार और इमोशंस पर भी पड़ता है। और मैं ये भी कहती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी एंजाइटी किसी भी रिजल्ट के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो आपका दूसरा प्रश्न था कि हम इसको मैनेज कैसे करें, इसका हम संभालें कैसे, तो सबसे पहले जो हम लोग स्कूलों में करते हैं कि हम भावनाओं का प्रगटीकरण करें। हमने एक मूड बोर्ड बनाया हुआ है स्कूल में। कोई भी बच्चा आता है वो बिना नाम के उसमें एक टैग लिखता है कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं थका और परेशान हूँ, नाम नहीं रहेगा, आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। एक स्कूल टीचर होने के नाते, काउंसलर होने के नाते हमें ये पता चल जाता है कि पूरे क्लास का आज फोकस जो है वो आज वो खुश है या निगेटिव है। कई बार हम इसको इंडिविजुअल भी करते हैं कि बच्चा आके इंडिविजुअल बता जाए एक टैग में आके कि आज मैं भूखा हूँ और मुझे बुरा लग रहा है। तो जब हमको भावनाएं पता चलती हैं, जब हमको उसकी एंजाइटी का कारण पता चलता है, मनोदशा, तो फिर हम उसको ठीक करने की दिशा में प्रयास करते हैं। अब प्रयास करने का तरीका क्या है कि एंजाइटी किस कारण से हो रही है। कई बार पुरानी बातों को लेकर होती है, कई बार फैमिली में कोई ट्रामा हो गया है, कई बार बच्चों के रिलेशनशिप के कारण होती है, जो युवा होते बच्चे हैं तो जो भी विचार उसको, कई बार सफलता नहीं मिलने के कारण परेशानी होती है, जो भी विचार उसको एंजाइटी दे रहे हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उस विचारों को हम भटका दें। तो कैसे भटकाना है, इसके दो तीन छोटे छोटे उपाय होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि हम उसको एक पॉजिटिव सेंटेंस से, पॉजिटिव वाक्य से उसको रिप्लेस करें। आज मुझे बहुत खराब लग रहा है, तो दिन भर की हम अच्छे जो काम थे जिसके कारण से उसको खुशी मिलती है, हम उनको याद करवाते हैं कि देखो आज तुम्हारे टेस्ट में नंबर अच्छे आए हैं, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो या आज का दिन कितना अच्छा चमकीला है। तो ये एक अच्छा सेंटेंस उस खराब वाले सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर देता है। या एक और अगर सेंटेंस आएगा कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि मेरी तैयारी पूरी है, मैं अच्छा करूंगा। तो इस तरह से हम उसको अच्छे सेंटेंस में रिप्लेस करते हैं। मैम, एक टीचर की बात करें तो टीचर शायद इस चीज को समझ पाता होगा कि बच्चा एंजाइटी में जा रहा है या फिर इस तरह के विचारों से ग्रसित है, लेकिन अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो क्या पेरेंट्स बहुत हद तक इस एंजाइटी को समझ पा रहे हैं? हाँ, पेरेंट्स कई बार नहीं समझते हैं और अपने पूरे पुराने दिनों से याद करते हैं। तो हम लोग एज ए काउंसलर और एज ए टीचर हम लोग ये भी करते हैं कि हम उनके पेरेंट्स से भी समय समय पर बात करते हैं और बच्चे के बारे में और सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स जो हैं वो देखें कि बच्चे का जो शेड्यूल है, जो उसका टाइम टेबल है, वो सही चल रहा है कि नहीं, क्या वो सही समय पर सो के उठ रहा है या सो पा रहा है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं है, वो धूप में थोड़ा बहुत जा रहा है या नहीं। तो अगर ये सब चीजें ठीक से, उसकी डाइट है प्रॉपर, तो अगर ये सारी चीजें ठीक ठीक हैं तो उसमें ऐसे कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस दिखते हैं
कि बच्चा 20-20 घंटे सो रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो हमें उसमें काउंसलर्स के पास जाने की आवश्यकता होती है और ये पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक टीचर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी, इस एंजाइटी को बच्चे वाकई में मैनेज कर सकते हैं क्या? क्योंकि मोबाइल का टाइम है, ना चाहते हुए भी बहुत सारी नकारात्मक बातें उनके अंदर जा रही हैं, तो इस टाइम को वो कैसे मैनेज करें? ये पूरा एक सम्मिलित प्रयास होगा, पेरेंट्स का, टीचर्स का, बच्चे का, उसके साथ साथ सोसाइटी का भी। सोसाइटी के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस अगर नहीं कर पाएंगे तो भी ये कि पेरेंट्स, टीचर और बच्चे के साथ कि हम कुछ ऐसा समय जरूर निश्चित करें जो नो मोबाइल जोन जैसा हो, घर में भी 1-2 घंटे ऐसे हों जहाँ पे पेरेंट्स भी बिना मोबाइल के हों और बच्चे भी। इसके साथ साथ पेरेंट्स भी बच्चे को माइंडफुलनेस और हार्टफुलनेस जरूर सिखाएं, कृतज्ञता और चेतनता, क्योंकि ये कृतज्ञता कोई एहसास नहीं है बल्कि मस्तिष्क की वो अवस्था है जिससे असीमित सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मतलब प्रकृति ने हमें जो दिया है हम उसके लिए उसको धन्यवाद पूरे समय देते रहें, और ये चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे मन में और मस्तिष्क में असर जरूर करती हैं। जी मैडम, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन कुछ बिंदुओं पर काम करते हुए या अपनाते हुए बच्चा जो है इस एंजाइटी से बाहर आ सकता है? बच्चे को स्वयं कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस अवस्था से गुजर रहा हूँ। अगर एंजाइटी है उसका पहले कारण ढूंढे, फिर कारण ढूंढने के बाद जो भी उसके शुभचिंतक हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो परिवार के लोग हों, उनसे एक बार बात करनी चाहिए। मैडम हम उम्मीद करते हैं कि आपके बताए हुए टिप्स जो है वो हमारे सुनने वाले बच्चों को और उनके पेरेंट्स को जरूर काम में आएंगे और अपने बच्चों को शायद अगर वो इस कंडीशन में है तो वो बाहर निकाल पाएंगे। तो हमसे बात करने के लिए और समय समय पर इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे श्रोताओं तक जानकारी पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिखा जी।